रब्ता जो है वो इन्हीं तंजीमों से हुआ था। खुद रब्ता किया था? हाँ नहीं, उन्होंने खुद वो खुद अप्रोच करते हैं। नौरीन लगारी की कहानी, नौरीन लगारी की जबानी, दहशत गर्दों के चुंगल से बाजियाब नौरीन का पहला इंटरव्यू 92 न्यूज पर। कहा कभी शाम नहीं गई, दहशत गर्दों ने खुद रब्ता किया। हिजरत के मुतालिक पूछने पर लाहौर आने को कहा, हैदराबाद से बस पर आई। दहशत गर्द खुदकुश हमले में इस्तेमाल करना चाहते थे, बाजियाबी पर फौज की मशकूर हूँ। नौजवानों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया दहशतगर्दों का अहम हथियार। नौरीन लगारी का कहना है, दहशतगर्द इस्लाम की गलत तस्वीर दिखाते हैं। नौजवान मेरी मिसाल देखें, सोशल मीडिया साइट्स का असर ना लें। वालिद अब्दुल जब्बार ने कहा, नौरीन तरबियत में कमी की वजह से इस तरफ गई। रात में बच्चे की सरगर्मियां चेक करना मुश्किल होता है। प्रोग्राम 92.8 में गुफ्तगू। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में एक और नाम सामने आ गया। पीसीबी ने मोहम्मद नवाज को भी नोटिस भिजवा दिया। स्पिनर के बुकियों से राबते के बारे में दस्तावेजात मिलने पर नोटिस भिजवाया गया। मोहम्मद नवाज सिक्योरिटी एंड वेजिलेंस यूनिट के सामने पेश होकर मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देंगे। स्टेटमेंट दिया कि मैं बिल्कुल अपनी खुशी से आई हूं। भारतीय डॉक्टर उस्मान और पाकिस्तानी नौजवान ताहिर की शादी का मामला उलझ गया। शादी करने नहीं आई, निकाह गन पॉइंट पर कराया गया। उस्मान का मजिस्ट्रेट के सामने बयान, कहा दस्तावेजात छीन ली, ज्यादती का निशाना बनाया। ताहिर ने इल्जामात को झूठ करार दे दिया। निकाह ख्वां का भी कहना है कि निकाह उस्मान की मर्जी से पढ़ाया। एफसी और हसास इदारों का मन में ऑपरेशन। कलदम तंजीम का इंतहाई मतलूब कमांडर हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दो FC अहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द के सर की कीमत 20 लाख थी। फोर्सेस पर हमलों समेत कई वारदातों में मुलविस था। ईरान की पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के मुबैना पनाहगाहों को निशाना बनाने की धमकी। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो ईरान खुद करेगा। उधर अफगान सफीर ने दावा किया है कि चमन में पाक फौज की कार्रवाई में 50 नहीं 2 अफगान फौजी हलाक हुए। कराची में इंटर इम्तिहान में आज फिर पर्चा होगा। क्या पर्चा फिर आउट होगा? इंतजामिया को सख्त इम्तिहान दरपेश। कमिश्नर ने इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक आलात लाने पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 भी नाफिस। उधर नकल के मामले पर CTD ने मैट्रिक बोर्ड के मुलाजमीन को तफ्तीश के लिए तलब कर दिया। कराची में मानसून में अबरे करम खुलकर बरसेगा। बरसात के मौसम में शहर कायद में मामूल से 30% ज़ायद बारिशों का इम्कान। जून जुलाई में हीट वेव की खदशे भी मौजूद हैं। उधर मुल्क के दीगर इलाकों में आज गर्मी का जोर टूटने की उम्मीद। पंजाब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। कराची में चिकनगुनिया ने वबाई सूरत इख्तियार की तो महकमा सेहत को होश आ ही गया। 500 तशखीस किट्स इब्राहिम हैदरी अस्पताल को फराहम। 8 माह में हजारों अफराद चिकनगुनिया की शिकायत लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा चुके। 191 मरीजों में मर्ज की तस्दीक। 500 की टेस्ट रिपोर्ट आना अभी बाकी। कराची का एक स्कूल एक साल से बिजली से महरूम। PECHS ब्लॉक 2 में राहत। इस्लामिया गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बच्चियां सराफा एहतजाज। बच्चों का कहना है शदीद गर्मी के बायस क्लासों में बैठना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। इंतजामिया के मुताबिक कई मर्तबा डायरेक्टर स्कूल्स और के इलेक्ट्रिक को दरख्वास्तें दी, सुनवाई नहीं हुई। जो भी एक्शन लेता हूं, अदालत से हुक्म इम्तना आ जाता है। चेयरमैन पैमरा अफसार आलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अगर इख्तियार नहीं देना तो पैमरा बंद कर दें। मेरी फैमिली को खतरा है, काम करना मुश्किल हो गया। कुछ लोग पैमरा मुलाजमों को भी धमकियां दे रहे हैं। वजीर आजम आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस तहफ्फुज फराहम करें। पाक सरजमीन पार्टी और सुन्नी तहरीक यक जुबान। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि आवाम के मसाइल के लिए तमाम सियासी जमातों से बात हो सकती है। नजरियात पर इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं मगर दुश्मनी नहीं हो सकती।
सरबरा सुन्नी तहरीक ने पीएसपी के मिलियन मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। सरबरा अवामी राज पार्टी के अवामी अंदाज, जमशेद दस्ती ने मुजफ्फरगढ़ में पहले शहरियों के जूते पॉलिश किए फिर दही बेचते रहे। रुकन कौमी असेंबली कहते हैं अवाम की खिदमत करके हकीकी सुकून मिलता है। मिस्र में साबिक हुक्मरान जमात इख्वान अल मुस्लिमून के सरबराह को उम्र कैद। मिस्री अदालत ने मोहम्मद बदी के अलावा उनके दो साथियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। मोहम्मद बदी और उनके साथियों पर 2013 के मुजाहिरों में कशीदगी फैलाने का इल्जाम था। सुपरस्टार मेसी मैदान में, हमशक्ल ईरान में। स्टार फुटबॉलर से हैरान कर मुशाहबत ने ईरान के रजा को हीरो बना दिया। हर कोई सेल्फी बनवाने का ख्वाहिशमंद। फुटबॉल के दीवाने रजा ईरानी मेसी के नाम से मशहूर होने लगे। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अनोखा साल। पुतिन के जेबी दौर के बॉस की 90वीं सालगिरह पर अचानक उनके घर पहुंच गए। सालगिरह का तोहफा भी साथ लाए। सदर को अपने घर देखकर पहले तो उनके बॉस हैरान रह गए, फिर उन्हें गले लगाकर प्यार किया। कम वक्त में भी जियाफत का अहतमाम कर लिया।